नाश्ता नहीं करना क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ कि नाश्ता छोड़ने के और ना करने के कितने सारे फवायद हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज राइट एट योर सर्विस और ये वीडियो सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में किसी ने नाश्ता नहीं करना क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ कि नाश्ता छोड़ने के और ना करने के कितने सारे फ़वाद हैं एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर एक रिसर्चर और एक पढ़ने लिखने वाले आदमी की खूबसूरती यही होती है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी रिसर्च को स्टडीज को थाट्स को एवाल्व करता जाता है उनको ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स आगे लेके जाता है क्योंकि साइंस विद द पैसेज ऑफ रिसर्च चेंज हो रही है और एक हकीकी डॉक्टर साइंटिस्ट रिसर्चर वही है जो कि अपने आप को रिसर्च के साथ अपडेटेड रखता है मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपडेटेड रखूँ और फिर उसको मैं अपने तक ना रखूँ उसको मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूँ उसकी मैं तबलीग भी करूँ विदाउट चार्जेस भी करूँ और अपने क्लाइंट्स को जो है वो उस तरह भी करूँ एंड एवरी तो आज ये वीडियो इसी बारे में है नाश्ता कहते हैं ब्रेकफास्ट को यानी फास्ट तोड़ना पूरी रात आपकी बॉडी फास्ट की स्टेट में होती है ये बात अब कोई अजनबी नहीं है कि फ़ास्टिंग के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं यानी जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी किस स्टेट में होती है ये मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपकी बॉडी होती है ऑटोफेजी की स्टेट में ऑटोफेजी वो स्टेट है कि जिसमें आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उसका जो डैमेज और जो उसका कचरा और ख़राब मटीरियल है जिसको खारिज होना चाहिए वो जिसम से बाहर जो है वो खारिज हो रहा है वो निकल रहा है और जो प्रोटीस इस्तेमाल हो गई हैं उनका वीर एटीर हो गई ख़राब हो गई हैं जैसे ख़राब सामान की घर में ज़रूरत नहीं होती उसको वो जिसम से बाहर निकाल रहे हैं और नई को खुद ही बनाना शुरू कर रहा है। ये चीज आसान नहीं है लेकिन सिर्फ फास्टिंग में जब आपकी बॉडी जाती है यह चीज बॉडी में खुद ही से शुरू हो जाती है दिमाग में एक पेप्टाइड बनना शुरू हो जाता है जब आप आ, ओवरनाइट फास्ट की सिचुएशन में जाते हैं बी डी एन एफ ब्रेन ड्राइव्यूट्रॉपिक फैक्टर जो आपका लर्निंग अटेंशन मेमोरी फोकस इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी फैमिली में डिमेंशिया मेमरी लॉस और एल्जामस की हिस्ट्री है क्योंकि ये आपको उससे बचा के रखता है आपके दिमाग के उन ग्रे एरियाज और हिपोकैपस को उस चीज़ से बचा के रखता है और साथ शुरू हो जाती है बॉडी की रिपेयर जब जिसम के सारी सेल्स की रिपेयर हो रही है तो जाहिर नर्व सेल्स की भी रिपेयर हो रही है नर्व्स नई एक शाखें छोड़ना शुरू कर देती हैं आपकी एनर्जी अलर्टनेस ये सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं और जिसमें किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है चाहे वो सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन है किसी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन है आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन है या ओबेसिटी है मोटापा इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन अक्सर मैं बात करती हूँ वो भी कम होना शुरू हो जाती है यानी नाश्ता ना करना या मैं आगे भी इस पर बात करने लगी हूँ जितने भी इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया ब्लड प्रेशर हो गया हार्ट डिजीज़ हो गया ऑटोम्यून डिजीजेज हो गया क्रॉन अल्सरेटिव आई बी एस आई बी टी ऑलमोस्ट हर डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन है सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजे यानी वो बीमारियाँ जो छूट की नहीं है सब इन्फ्लेमेशन से होती हैं तो ये

उस पीक को गुजार लें तो उसके बाद ये जो मैंने सारे प्रोसेस का जिक्र किया जिसमें इनफ्लमेशन नीचे जाना ऑटोफेजी होना बॉडी का रिपेयर होना आ, ये सब तेज़ हो जाता है और उसको काबू कर लें तो उसके बाद एक और खूबसूरत चीज़ आपकी बॉडी में डेवलप होती है वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी जिसका जिसम इंसुलिन सेंसिटिव हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस से वापस चला गया यकीन करें कि वो इन्फ्लेशन से वो डायबिटीज़ से वो ओबेसिटी से वो ब्लड प्रेशर से वो कोलेस्ट्रॉल से वो वेट बढ़ने से वो मेमरी लॉस से वो हर चीज़ से महफूज हो गया और अगर आपके जिसम इस तरह की कोई भी चीज़ चल रही है तो आप इंसुलिन शुरू हो जाएंगे फैट बर्निंग भी शुरू हो जाएगी चर्बी के सेल्स जब दोबारा छोटे हो जाएंगे उसके ऊपर इंसुलिन के ताले का साइज ठीक हो जाएगा और आपकी बॉडी में दोबारा से फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन तो अब खा न सही टाइम क्या है फिर खाना आपको कब खाना चाहिए मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो रात के पाँच छः बजे अपना मील तोड़ते हैं और फिर उसके बाद रात के नौ दस बजे खाते हैं ये ना करें उसकी रीज़न ये है कि आपकी वो जो फूड जीन्स हैं शाम के तीन चार बजे के बाद वो थोड़ी डाउन रेगुलेट हो जाती है यानी वो कम एक्टिव सुस्त हो जाती हैं वो चुस्त नहीं रहती हैं तो वो नीचे चली जाती हैं अब बेशक आपने जितने मर्ज़ी लंबे ज़्यादा घंटों का फास्ट रखा होगा लेकिन अगर उस टाइम जाके आप अपना फास्ट तोड़ेंगे तो आपकी जीन्स एक्टिव नहीं रहेंगी आपकी जीन्स रेगुलेटेड नहीं रहेंगी तो आपने अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करनी है यानी आपने जल्दस जल्द अज जल्द पहले पहर में जिसके जल्दी पहर में आपने अपना ये फास्ट जो है इसको आ, तोड़ना है लेकिन आठ नौ बजे नहीं तोड़ना उसको मैक्सिमम आके लेके जाएँ ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट आप छोड़ दें मेरा जो टाइम है वो एक मैं ग्यारह बजे खाती हूँ एक मैं चार बजे खाती हूँ या बारह और पाँच बजे कर लेती हूँ आप इन दो मील्स को कर सकते हैं और जब अपना फास्ट तोड़ते हैं तो अपना फास्ट हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स फूड से नहीं तोड़ते वरना जितना है फास्टिंग के आपने फायदे उठाए सारे ज़ाय हो जाएंगे यानी ऐसे खाने से नहीं तोड़ते जो ब्लड में शुगर एकदम ऊपर लेके जाए ऐसे खाने से तोड़ते हैं जिसका सस्टेन ग्लूकोज रिलीज़ हो ठीक है जैसे आपके पास होल ग्रेन फूड्स होते हैं आपके पास अंडे होते हैं अंडों की

तो ब्रेकफास्ट की आदत को छोड़ दें और जब आप एक महीना ब्रेकफास्ट की आदत को छोड़ेंगे आप इनक्रेडिबल बेनिफिट्स देखेंगे आपको अगर बॉडी में पेन्स होती हैं आपको लगेगा आप गोर्स में जैसे पेन नहीं होता हड्डियों में पेन नहीं होता एनर्जी ऊपर है अलर्टनेस ऊपर है मूड बेटर है हाजमा बेटर है हैबिट्स हैबिटूल पखाना अच्छा हो जाएगा आई वीडियो आप लोगों के काम आएगी सी गल्ला